प्रदेश भर की राजनीति में एक नया भूचाल इस समय आया हुआ है, वो है जातिवादी राजनीति करने का। इसी कड़ी में सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश की राजनीति को गर्म रखने के लिए ब्राह्मणों को रिझाने में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के इतर सपा के साथ ही बसपा ने भी सत्ता में आने के बाद भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने का ऐलान किया है। इस कड़ी में समाजवादी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए बाकायदा लंबाई चौड़ाई के साथ भगवान परशुराम की मूर्ति लगाए जाने का वादा किया है। बंटवारा नहीं, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं। हम लोगों ने पहले भी, आपने देखा जब सरकार थी तब भी जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे, जिनको हम लोग छोटे लोहिया मानते हैं, जिनके दिखाए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, उनके नाम पे एशिया का सबसे बड़ा पार्क, सबसे सुंदर पार्क बनाया, भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की, प्रभु श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की। और अब हम लोगों का मन था कि एक तरीके से दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा जो कि भगवान परशुराम चेतना पीठ के तत्वावधान में लग रही है, मैं हूँ ट्रस्टी, मेरे साथ संतोष पांडे जी ट्रस्टी हैं उसमें, जो विधायक थे सुल्तानपुर से हमारे समाजवादी पार्टी के, हम दो लोग ट्रस्टी हैं, और उसमें हम लगा रहे हैं कि ऐसी प्रतिमा, ऐसी भव्य, इतनी विशाल, जैसी धरती पे आज तक किसी ने जिसकी परिकल्पना नहीं की थी, जिसने न कभी देखी थी और न कभी सोची थी, उस रास्ते पे वो हमारा विचार है, वो हमारा एक संस्कार है, हमारी आस्था का विषय है और एक पवित्र संस्कार है जिसको लेकर के हम चल रहे हैं। इस रस्साकशी के बीच यूपी के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व गवर्नर कल्याण सिंह के पुत्र और एटा लोकसभा सीट से सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने सभी विपक्षी पार्टियों पर इस मुद्दे को लेकर जोरदार कटाक्ष किया है। देखिए ऐसा है कि रामलला का मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बन रहा है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त को कर दिया है। इनके पास कोई भी चीज़ किसी तरह का आधा नहीं बचा है, इसीलिए ये छोटी राजनीति कर रहे हैं कि हम सब मूर्तियां लगवाएंगे, भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, ब्राह्मणों को रिझाने का काम करेंगे। तो ये ब्राह्मणों को क्या रिझाएंगे, ये बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको क्या रिझाएंगे। लोकसभा सदस्य राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने कहा कि रामलला का मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बन रहा है, जिसका शिलान्यास माननीय मोदी जी ने 5 अगस्त को कर दिया है। इन लोगों के पास अब कुछ भी और कैसा भी किसी भी चीज का आधार नहीं बचा है, इसीलिए ये लोग अब झूठी राजनीति कर रहे हैं। और भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगे, अच्छी बात है, ये सभी और भी महापुरुष सबकी मूर्ति लगे, लेकिन इस बीच में मूर्ति का मुद्दा उठाने का कोई औचित्य नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि सबकी मूर्ति लगे, भगवान परशुराम की भी लगे। भगवान परशुराम की मूर्ति लगे ये अच्छी बात है, और भी महापुरुषों की मूर्ति लगे ये भी अच्छी बात है, लेकिन इस समय बीच में अचानक मूर्ति का मुद्दा लाकर उछालने का कोई औचित्य नहीं है। रही बात मथुरा और काशी में संतों द्वारा मंदिर के निर्माण की मांग की, तो इसमें मेरा मत ये है कि कानून और माननीय कोर्ट के निर्णय के हिसाब से उसमें कुछ किया जाना चाहिए।